हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे गर्मियों से बचने के लिए ठंडा ठंडा पुदीना नींबू का शरबत, जो बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। और एक बार इस तरह से बना करके आप रख दो, पूरी गर्मियों तक चलेगा। जब भी मन करे तब निकालो, बनाओ और पी लो। तो चलिए आज का ठंडा ठंडा पुदीना नींबू का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी पुदीने के पत्ते लिए हैं। इस शरबत के लिए हमें पत्ते ही लेने हैं और पत्ते को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और पत्ते को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बर्फ डालेंगे और इसे बंद करके पीस लेंगे। तो ये हमने पुदीने को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने साकर ली है। जितना पुदीना लिया है उससे डबल मैंने साकर ली है। इसकी जगह पर आप चीनी या गुड़ भी ले सकते हो, लेकिन गुड़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, और आपके पास साकर है तो आप साकर ही लेना, और नहीं है तो आप चीनी ले लेना। अब हम साकर को एक कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और लगातार चलाते हुए साकर को मेल्ट करेंगे। साकर मेल्ट हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 नींबू लिए हैं। नींबू को कट करके इसमें से रस निकाल देंगे। तो ये मैंने सभी नींबू में से रस को निकाल दिया है। इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर साकर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसकी हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपा हो जाए उतनी देर तक ही रखना है। तो ये हमारी सिरप चिपचिपी बन गई है। तब हम इसमें पुदीने को पीस करके रखा था वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। साकर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ठंडक देती है, तो आप हो सके तो इसमें साकर ही डालिएगा। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, शरबत बनकर के तैयार है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए दूसरे बाउल में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। शरबत ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला बनकर के तैयार है। ये मसाला हम शरबत में डालेंगे तो हमारा शरबत बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो शरबत यहाँ पर ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, जो हमने निकाल करके रखा था वो। शरबत ठंडा होने के बाद ही हम नींबू का रस डालेंगे और हमने जो मसाला बनाया है वो भी डाल देंगे इसमें। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा ठंडा ठंडा पुदीना नींबू का शरबत बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह से शरबत बना करके आप बोतल में भर करके फ्रिज में रख दो और पूरी गर्मियों तक आप इसे पी सकते हो। तो इसे हम बोतल में भर देंगे। अब हम इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ली है। इसमें हम बर्फ डालेंगे और 2-2 चम्मच हम इसमें सिरप डालेंगे। अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा शरबत पीने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।